नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और इस वक्त एफएनओ जंक्शन में हम बात करेंगे एफएनओ डेरिवेटिव काउंटर्स की। कहां पर आप लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए देख रहे हैं, कहां शॉर्ट्स पोजीशन बन रही है, तो यानी क्या होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। पहले एक बार मार्केट चेक कर लेते हैं। आज हमने देखा कि एक माइनर से दबाव के साथ आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ ओपनिंग में दिखा और उसके बाद वो तब से एक पुल बैक अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन अब भी इस पर 70 odd points का एक प्रेशर जरूर दिख रहा है। बैंक निफ्टी से नीचे से पुल बैक अच्छा दिया और आप लगभग 100 points की गेंस के साथ बैंक निफ्टी को कारोबार करते हुए देख रहे हैं। आज क्लियरली डेरिवेटिव स्पेस में जो स्टॉक्स एक्शन में है वहां पर आपको शुगर स्पेस, पावर स्पेस, सीमेंट स्पेस और कुछ काउंटर्स लाइक जिनमें एक अच्छी अंडर परफॉर्मेंस है और वहां अच्छा पुल बैक है। इंडियामार्ट जैसे काउंटर, सिंजन और बायोकॉन जैसे सेक्टर्स में, स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मेटल पैक से आपको जिंदल स्टील और दूसरे वेदांता, ये सब काउंटर्स हैं जो आपको तेज दिखाई दे रहे हैं उस डेरिवेटिव स्पेस में। उसके अलावा बैंकिंग स्पेस में अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो आपको ICICI बैंक स्ट्रॉन्ग दिखता है। यहाँ पर आपको IDFC फर्स्ट बैंक में आज फिर से स्ट्रेंथ वापस लौटती हुई दिखाई देती है। पोस्ट द न्यूज़ हमने देखा IDFC में भी एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, लेकिन अब उसके बाद फिर से दोनों स्टॉक्स संभले हैं, लिमिटेड भी और बैंक भी, और उसके बाद आज वहाँ पर आप फिर से लॉन्ग बनते हुए देख रहे हैं। तो आज किस तरह से एक्शन होना चाहिए, क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हमारे साथ शो के एक्सपर्ट प्रशांत सावंत बने हैं। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। हम जिस तरह से देख रहे हैं आज फिर से एक तेजी जो है वो सीमेंट पैक में अच्छी खासी है, हालांकि तेजी तो खैर बहुत सारे सेक्टर्स में है, लेकिन इस वक्त एट दिस मोमेंट जो तेज काउंटर्स मूवर्स दिख रहे हैं एफएनओ स्पेस में, उससे सबसे बड़ा मूवर सीमेंट पैक है। अंबुजा सीमेंट इस वक्त टेप टॉप गेनर है। क्या आपको पूरा सीमेंट पैक वाइब्रेंट दिख रहा है? प्रियंका, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल, और सीमेंट पैक में फ्रंट लाइनर्स के साथ जो मिड एंड स्मॉल कैप्स पिक है वो भी काफी सेगमेंट पिक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एज अ सेक्टर ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए। कुछ दिनों पहले हमने इस सेक्टर के बारे में बात भी की थी। अगर मैं इसमें से जो लीडर है यानी जो सबसे बड़ा प्लेयर है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बारे में बात करूं तो अगर ये स्टॉक 6900 क्रॉस कर जाएगा, 6900, मुझे लग रहा है वहां से ये 5-6% की मूव बहुत जल्द दे सकता है, एक मोमेंटम आ सकता है, तो इसमें बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ दिख रही है और वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हुआ एक व्यू ऑन सीमेंट पैक, लेकिन पहले एक बार इंडेक्स पे भी व्यू समझ लेते हैं और फिर उसके बाद प्रशांत से उनकी ट्रेडिंग कॉल्स पर भी बात होगी। प्रशांत, क्या रेंज के लिए ट्रेड करेंगे? अब हाफ द डे गॉन, हमने देखा कि अब भी जिस लेवल्स के पास खुला था निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है, क्या आप रेंज देख रहे हैं? दिन भर क्या कंसोलिडेशन इसी तरह का ट्रेड रहने वाला है या फिर कोई रिवर्सल दिख सकता है? प्रियंका, दो तरीकों से बात करूंगा निफ्टी के लिए। सबसे पहली बात, एक शॉर्ट टर्म यानी अगर हम इंट्राडे से 1 से 2 दिन का पर्सपेक्टिव देखें तो जो आज के ओपनिंग के लिए गैप हुई है फ्राइडे के क्लोजिंग से यानी 17,850 एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है, यहाँ के इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है फॉर पोजिशनल लॉन्ग्स, और जब तक ये क्लोज ना हो मुझे लग रहा है हम एक साइडवेज मूव में रहेंगे जो करीबन 17,500 से लेके 17,800 के बीच चलता रहेगा। मेरी ये राय है पोजिशनली कि जिनके पास भी लॉन्ग्स हो उनके बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा फ्यूचर्स में 17,600 का। जब तक 17,600 इंटैक्ट है आप निफ्टी में बेझिझक लॉन्ग रह सकते हो, और मेरा जो टारगेट होगा अपसाइड पे वो करीबन 18,080 से लेके 18,100 इस लेवल में फ्यूचर्स में होगा, तो इसके लिए मैं फिलहाल इस लेवल पे लॉन्ग रहूंगा। एक बार 17,600 अगर ब्रेक हो जाए और उसके नीचे हम क्लोज हो तभी हमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, तब तक हम बहुत कंफर्टेबली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में रह सकते हैं। और राइट, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी पर, तो ऐसे में बैंक निफ्टी पर क्या करें? प्रशांत, बैंक निफ्टी भले निफ्टी पर थोड़ा प्रेशर है लेकिन बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ तो बनी हुई है लार्ज कैप स्पेस से, आप चाहे ICICI बैंक जैसे दूसरे काउंटर्स की बात करें, हालांकि HDFC ने कुछ खास अभी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, अगर वहां से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती है तो बाजार ऊपर की तरफ यानी बैंकिंग इंडेक्स भी ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। कैसे प्ले आउट करना चाहिए बैंक निफ्टी को? जब मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ एज कम्पेयर टू निफ्टी तो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें एक इंडेक्स मैनेजमेंट तरह चल रहा है जो कि एक नर्वस मूव है। कुछ बैंक्स चल रहे हैं जैसे कि कोटक बैंक, ICICI बैंक जब पिकअप होता है, इंडसइंड बैंक पिकअप होता है, HDFC बैंक ठहरा हुआ है। जब तक HDFC बैंक मूव नहीं देगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और या तो कोई एक यानी एक्सिस या ICICI में से बहुत बड़ी मूव ना दे तब तक ये रेंज बाउंड ही रहेगा। बट अगर मैं इन दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करूं और मुझे कोई पूछे कि इसमें स्ट्रांग कौन सा लग रहा है तो मेरे लिए बहुत सिंपल जवाब होगा कि जो स्ट्रांग लग रहा है वो बैंक निफ्टी लग रहा है, और यहां से अगर हम प्रीवियस रेजिस्टेंस तक भी पहुंचे यानी करीबन 38,500 तो भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन कर रहा है वो अभी 37,700 पे ही रखना है,
तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी रिस्क रिवॉर्ड के टर्म में बहुत बेहतर है। बट इसमें और बड़ा उछाल कब आ सकता है, तो मेरी राय होगी अगर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से पिकअप हो तो सिंगल हैंडेडली बैंक निफ्टी को बहुत अच्छे लेवल्स पे लेके जा सकता है। ऑलराइट, जैसे आपने इंडेक्स मैनेजमेंट की बात की प्रशांत, पिछले हफ्ते सोमवार को जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर की बात आई, सिर्फ उसी दिन एक अच्छा उछाल आपको दोनों ही काउंटर्स, दोनों ट्विंस ने दिखाया, उसके बाद से तो मैनेजमेंट में ही चल रहा है, इंडेक्स मैनेज ही हो रहा है। इनफैक्ट आप उन्हीं लेवल्स पर आ गए जहाँ से ये बाइंग शुरू हुई थी एचडीएफसी पर। क्या ये फॉल अभी कब तक अरेस्ट हो पाएगा? आप एचडीएफसी काउंटर्स की बात कर रही हूँ स्पेसिफिक में। प्रियंका, एक कहावत होती है टेक्निकल्स में बहुत बेसिक कि सेल ऑन न्यूज एंड बाय ऑन फियर। ये न्यूज पे, जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, निवेशक है, वो बिल्कुल इसके अपोजिट और विपरीत करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर न्यूज आए तो वो बाय करने जाते हैं, स्वॉप रेशियो देखते हैं और देखते हैं कि इसमें फिट हो, इस तरह से सभी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों स्टॉक्स यानी एचडीएफसी बैंक के बारे में इंडिविजुअली बात करनी हो तो मुझे सबसे पहले मैं अगर एचडीएफसी बैंक देखता हूँ तो जहां से ये गैप अप हुआ था उस गैप को हम आके टेस्ट कर रहे हैं, जिसे एक बेसिक टेक्निकल्स में टेस्ट ऑफ सपोर्ट कहा जाता है। अगर यहाँ से हम उछाल ले ले तो बिल्कुल एक हमें अच्छी रैली मिल सकती है। तो हमें स्ट्रैटेजी क्या करनी होगी, जिनके पास भी ऑलरेडी लॉन्ग्स हो उनको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यानी जो स्पॉट में 1470 का लेवल है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा 1470। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है आप इसमें बाय कर सकते हैं, यानी यहाँ से अगर आप देखो आपको सिर्फ 2% रिस्क यानी 2%, तो ये बहुत अच्छा बाय बन सकता है। और मुझे लग रहा है यहाँ से अगर रैली आए तो हम करीबन फिर से एक बार 1550-1560 के लेवल तक जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रीवियस हाई जो हुआ था उस वक्त वो टेस्ट हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक डिसेंट रैली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आ सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 1470 मेंटेन करना होगा। और एचडीएफसी लिमिटेड जब मैं देखता हूँ, सेम एग्जैक्टली अगर आप नाम निकाल दो और सिर्फ दोनों पैटर्न को देखो, बिल्कुल सेम पैटर्न दोनों ही जगह बने हुए। तो इसके लिए जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा करीबन 2400 का, 2400 क्लोजिंग बेसिस। जब तक इंटैक्ट है आप इसमें लॉन्ग बने रह सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक इसमें बने रहने की सलाह होगी प्रशांत की। प्रशांत, कुछ आपने भी आइडेंटिफाई किए ट्रेड्स हमारे व्यूअर्स के लिए? प्रियंका, दो स्टॉक्स जो है मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। एक स्टॉक टाटा पावर होगा फर्स्ट स्टॉक, मुझे इसमें मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से लग रहा है मुझे कि ये न्यू रेंज में चला जाएगा, तो मैं इसमें बिलो 270 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 315 और उसके ऊपर भी। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और सेकेंड पिक, जैसे कि मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर से जो मुझे स्टॉक अभी स्ट्रेंथ लग रही है वो है आईसीआईसीआई बैंक, और इसको मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 745 का। मैं टारगेट इसमें रख रहा हूँ करीबन 795 फर्स्ट टारगेट, इसके ऊपर हम निकल जाए तो 820-825 के लेवल भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये स्टॉक एक बहुत अहम मेक और ब्रेक होगा, तो इसीलिए मैं आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करना चाहूंगा। ये दो मेरे पिक्स रहेंगे आज के लिए। ओके, टाटा पावर और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक, ये दो कॉल्स रहेंगी प्रशांत की फ्रॉम द डेरिवेटिव स्पेस, और दोनों ही बड़े काउंटर्स उन्होंने चूज किए अपने अपने सेक्टर के। चलिए ठीक है, बिल्कुल प्रशांत, कुछ और काउंटर्स पर भी बात कर लेते हैं। एफएनओ स्पेस में आज सुबह से मोमेंटम जो बना हुआ है वो इंडिया मार्ट जैसे काउंटर पर भी बना हुआ है। एक बड़ी अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब इंडिया मार्ट में फाइनली पीछे के कुछ सेशन से मूवमेंट शुरू हुई है। कहाँ तक आप देख रहे हैं ये मूवमेंट जाएगी? आज भी 5% तेज है इंडिया मार्ट। जी प्रियंका, बहुत अच्छा बेस बनने के बाद जब एक स्टॉक मूव करता है तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंटम एज वेल एज लॉन्ग टर्म बाय हो जाता है, क्योंकि इसका बेस बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग तो रह सकते हैं, बाय ऑन एनी डिप्स होगा, और मेरे हिसाब से इसमें मोमेंटम हमें इसी मूव में लेके जा सकता है करीबन 5350-400 तक के लेवल में दिख सकते हैं। और जहां तक डाउन साइड की बात है तो जब तक हम इसमें 4900 का लेवल मेंटेन करें मुझे इस स्टॉक में हर डिप बाय करने में इंटरेस्ट होगा। और एक बार ये स्टॉक 5400 का जो अहम रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर दे तब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर ये तुरंत 6000 तक की रैली भी कर दे। इसकी वजह यही है कि बेस इसकी बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। स्ट्रांग बेस बन चुका है यानी काउंटर चल रहा है और भी चलेगा, इस तरह की प्रशांत की यहाँ रीडिंग है इंडिया मार्ट के काउंटर पे। तो जब इतनी कंफ्यूजन हो स्टेट में, जब आपको निफ्टी लाल निशान में दिख रहा हो, कंसोलिडेशन जैसा रेंज रखा हो, टाइट रेंज में बाजार कारोबार कर रहा हो, बाइंग के मौके आपको लगातार ट्रेडिंग पिक्स, इस पर ध्यान जरूर दें हमारे व्यूअर्स। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी बाइंग दिख रही है, पूरा फर्टिलाइजर पैक आज ब्लैक पैक आज भी बजिंग है प्रशांत, चंबल फर्टिलाइजर, क्या यहाँ पर अभी भी पोजिशन ली जा सकती है? एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? जी प्रियंका, मैं अगर चंबल देखूं और इसके सामने मैं बाकी सेक्टर भी कंपेयर करूं
तो बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में है और मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे भी जिनको निवेश करना है बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस आपका होगा 465, 465, और आप यहाँ से टारगेट रख सकते हो 525 का, 520 से लेके 525। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है और मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली आज जिस तरह के वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी हम हार्डली 3 घंटे की ट्रेडिंग हो चुकी है और हम ऑलरेडी पिछले हफ्ते के जो डेली वॉल्यूम्स थे उनको क्रॉस कर चुके हैं, यानी जो बायर्स है वो आज कन्विक्शन दिखा रहे हैं आफ्टर 4 दिनों की साइडवेज एक्टिविटी। तो मैं इसमें डेफिनेटली लॉन्ग रहूंगा। 465 क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस होगा, जब तक वो इंटैक्ट है मुझे लग रहा है हम 520-25 की तरफ बिल्कुल इसमें लेवल्स देख सकते हैं। ऑलराइट, और वेरी क्विकली एक लास्ट काउंटर जो मुझे आपसे लॉन्ग साइड पे डिस्कस करना है वो है वर्लपूल। क्या वहां पर भी आपकी बाय की रिकमेंडेशन होगी? प्रियंका, ये स्टॉक शायद पिछले मंगलवार को इसी शो में हमने डिस्कस किया था जब मैंने कहा था कि इसकी बेस बहुत अच्छी बन चुकी है और जब तक 1625 इंटैक्ट है इसमें लॉन्ग रहना चाहिए। अभी इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है, यानी जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव जिनको मोमेंटम चाहिए बिल्कुल इसमें निवेश कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 1790, 1790। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 1685 से लेके 1680 के रेंज में। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 1:3 है, तो डेफिनेटली ये बाय होना चाहिए। ऑलराइट, दूसरी बार इसका मतलब आप वर्लपूल पे फिर से अपना कन्विक्शन स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वर्लपूल भी एक बाय है प्रशांत की लिस्ट में। बिल्कुल आगे बढ़े प्रशांत, उससे पहले हम शॉर्ट साइड के भी ट्रेड्स आपसे डिस्कस करेंगे या फिर शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड्स भी आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट अपडेट अपने व्यूज को जो बता दें, आज एक नए स्टॉक की लिस्टिंग हुई वेदांता लर्निंग, और बहुत ही मिली जुली मिक्सड लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद हमने खास बातचीत की मैनेजमेंट से, उनके सीईओ, कंपनी के सीईओ कलपति एस सुरेश हमसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। वेलकम टू ईटी नाउ सुदेश, मिस्टर सुरेश, सबसे पहले आपसे आपके बिजनेस मॉडल ग्रोथ प्लान्स को डिस्कस करना चाहेंगे। आप आईपीओ के इस पैसे को, इस प्रोसीड्स को कैसे यूज करने का प्लान कर रहे हैं? देयर इज 60 करोड़ ऑफ डेट दैट इज बीइंग पेड आउट एज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू। देयर इज आल्सो अ 25 करोड़ लायबिलिटी रिलेटिंग टू द एक्विजिशन दैट इज गेटिंग क्लोज्ड। So post the IPO, now that the funds are available, on a net cash basis, the company would be debt free. There is a long term debt of an NCD which is maturing in September 2024. That would be the only one that will be outstanding. That is about 74 crores at a 4% coupon. Okay, so aap debt से कर्ज मुक्त होने के लिए इस पैसे को यूज करेंगे, लगभग 60 करोड़ का डेट कंपनी पर है। एक और चीज, क्योंकि अब सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो चुकी है, हर जगह प्री कोविड लेवल्स आ गए हैं, आपके आगे क्या प्लान है? आपको बिजनेस क्या आपको लग रहा है कि कितना परसेंट ऑफ द बिजनेस आप ऑफलाइन मोड में रखना चाहेंगे, कितना परसेंट ऑफ बिजनेस आप ऑनलाइन मोड में रखना चाहेंगे? So first, from an organic perspective, we plan to expand our vernacular in state and central government exams. Today we exist in 6 vernaculars. We plan to add Odia, Marathi and Bengali and take our footprint national. This is as far as the state central government exams are concerned. From our software vertical, we plan to set up a network of offline hybrid centers to complement our online presence. This is expected to give us access to the tier 3, tier 4 towns in India. So those are the two growth initiatives. If everything works well, that should see Veranda by FY25 to have grown multifold. We expect to be growing at a fast pace going forward from here without compromising on being profitable. So we expect to be operational cash flow positive from FY23 onwards, and will be significantly profitable through 24 and 25. From a growth perspective, that should propel the company upwards of 1,000 crores by FY25. This is as part of our organic growth is concerned. The company is also planning to expand its platform to include other test prep and other upskilling. We are in discussions and conversations with many companies that have significant education pedigree. And if everything works well, that should add up to our projections and increase the momentum of our growth going into the next 3 to 5 years. All right. Thank you so much, Mr. Suresh, for being with us and answering to all these queries for our viewers. Bahut bahut shukriya aapka.
चलिए वीरांडा लर्निंग के सीईओ हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वो लैंग्वेजेस में एक्सपैंड करेंगे और किस तरह से इस पूरे प्रोसीड्स आईपीओ से जो जुटाए गए पैसे हैं उसको कर्ज मुक्त होने के लिए यूज करेंगे। बढ़ते आगे कुछ और काउंटर्स भी देख लेते हैं जहाँ शॉर्ट कवर्स हो रहे हैं तेजी से। हमारे साथ प्रशांत बने हुए हैं। प्रशांत, गैस काउंटर्स में अच्छा सर्ज है आज भी पोस्ट द हाइक बाय द आईजी पीएनजी एलपीजी, इसके प्राइसेस बढ़े उसके बाद हमने देखा ऑयल एंड गैस पैक में तो क्या शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। ब्रॉय रियलिटी पर भी नजर जा रही है मेरी, 3% से ज्यादा की तेजी। आपको याद होगा शुक्रवार को जब इनके एक प्रोजेक्ट के डिले होने के चलते यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम्स गिरने के बाद एक बड़ा डेंट पड़ा था स्टॉक के प्राइस पर। अब लेकिन शुक्रवार को भी यहाँ शॉर्ट्स कवर हुए कई सारे तेजी से और आज भी क्या लग रहा है यहाँ पे कोई एंट्री कर सकता है या आपको लगता है कि वो जो गैप था वो फिल हो गया? प्रियंका, दोनों स्टॉक्स पे क्विकली बात करना चाहूंगा। सबसे पहले गुजरात गैस पे अगर बात करूं तो इसमें एक बहुत बड़ी स्क्वीज जिसे कहते हैं टेक्निकल में, यानी कंप्रेशन आया हुआ है प्राइस पे, तो ये एक स्प्रिंग इफेक्ट देता है नॉर्मली, यानी बहुत बड़ी मूव इसके बाद आती है। तो इसमें मैं फर्स्ट पिक डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहूंगा, जबकि बहुत नजदीकी एक रेजिस्टेंस है 545.50 पे, बट मैं इसमें एक स्टॉप लॉस रखूंगा बहुत स्ट्रिक्टली, और वो स्टॉप लॉस मेरा होगा 525 का, 525 इस स्टॉप लॉस के साथ मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। और मेरा टारगेट फर्स्ट होगा 560 यानी 560, और इसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है करीबन 590 के आसपास, जहां पे 200 दिनों की एवरेज है, तो उतनी रैली आ सकती है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और उसके सामने मैं जब ओवरऑल रियलिटी को देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि ये एक उसी रेजिस्टेंस के करीब काफी दिनों से अटका हुआ है, और हर बार यहाँ जब रैली आती है तो वहाँ बिग वाली दिखाई देती है। वो रेजिस्टेंस बहुत बेसिक राउंड नंबर रेजिस्टेंस कहते हैं 1000 का, तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए और एक बार इसके ऊपर 2% मूव यानी 1000 बेस के ऊपर निकल जाए तब आप 985 के स्टॉप लॉस से इसमें निवेश कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 1100 to 1150। ओके, ऑलराइट, तो ये लेवल्स बता रहे हैं जिसमें निवेश करना होगा और शॉर्ट स्क्वीज होना भी चाहिए क्योंकि इतने समय से अंडर परफॉर्मेंस रही है इस पूरे स्पेस में। जाते थे एक बार शॉर्ट्स जहां बन रहे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। प्रशांत, पूरा आईटी पैक प्रेशर में है बिफोर द रिजल्ट्स, कैसे रीड करना चाहिए इसे? क्या यहाँ शॉर्ट पोजिशन होनी चाहिए या रिवर्सल के साइन दिखते हैं कहीं आपको आईटी स्टॉक्स में? फिर तो मेरे हिसाब से द सेक्टर इज नर्वस क्योंकि आज टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही मेरा नजरिया होगा। और जहां तक मैं इसमें एचसीएल टेक को भी अगर देखूं तो ये एक अहम सपोर्ट के आ रहा है, वो सपोर्ट होगा उसका 1120 का, तो जब तक वो सपोर्ट के नजदीक आ रहा है मैं कभी भी शॉर्टिंग की सलाह नहीं दूंगा। हमें वेट करना होगा कि वो सपोर्ट ब्रेक हो जाए और फिर हम शॉर्टिंग की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज जो नतीजे आए और कल जो प्राइस टीसीएस में और पूरे सेक्टर में इम्पैक्ट दिखाएगा उससे हमें क्लियर कट डायरेक्शन मिल सकता है। पूरे आपको डेरिवेटिव स्पेस में अगर पहले टॉप 10 काउंटर्स की बात करेंगे तो उसमें अब 3 तो सिर्फ सीमेंट स्पेस है। अब एसीसी में भी पीछे के कुछ मिनटों में अच्छी तेजी आई है। प्रशांत, एक बार देखें आप कोई और सीमेंट पैक पे आपकी नजरिया आपकी नजर हो, अंबुजा एसीसी ये तो चल रहे हैं पर कोई और जो सरप्राइज कर रहा हो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे अदर देन एफएनओ आल्सो वी कैन टॉक? मुझे एक स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है वो है, मैं एक मिनट इसके चार्ट ओपन करता हूं, शिवा सीमेंट जो कि बीएसई पे लिस्टेड है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मुझे इसका ब्रेकआउट लग रहा है, करीबन ये 56-57 के रेंज में है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक डेफिनेटली मस्ट बाय ऑन डिप्स होना चाहिए। मेरे सारे ही क्लाइंट्स के पास, मेरे पर्सनल भी इन्वेस्टमेंट इसमें काफी महीनों से है और इसने एक बहुत अच्छा बेस बना के अभी एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो जो भी एक अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो के लिए कोई सीमेंट पिक देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये शिवा सीमेंट से बहुत अच्छा पिक हो सकता है, और इसको हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, वो होगा 49.50 का। यहाँ से ये टारगेट्स कितने भी अपवर्ड देख सकता है क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, तो हमें सिर्फ डाउन साइड गार्ड करनी है 49.50 पे और अपसाइड को कैप नहीं करना चाहिए, इसमें निवेशित रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, तो ये एक नॉन एफएनओ काउंटर लेकिन जहाँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं प्रशांत, क्योंकि सीमेंट पैक में अच्छी खासी एक वाइब्रेंस बनी हुई है, ऑन दैट बेसिस ओनली आप इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आज शो में रहने के लिए, हमारे साथ ये ट्रेडिंग पिक्स शेयर करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपका? इंडेक्स में पोजीशन फिलहाल तो नहीं है बट व्यू सभी क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी नहीं। शिवा सीमेंट जो हमने लास्ट में बात की वो मेरी पर्सनल और क्लाइंट सारी के साथ डिस्कस किए हुए स्टॉक है और काफी दिनों से हम इसमें इन्वेस्टेड है, अब इसमें मोमेंटम आया हुआ है तो डेफिनेटली लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट
एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट इनफैक्ट आपको दिखाते हैं, टैक्स कलेक्शन को लेकर अच्छी खबर है। FY22 में जो टैक्स है वो आय रिकॉर्ड, जो टैक्स रियलाइजेशन हुआ है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है, जिससे GDP टैक्स रेशियो जो है वो लगभग 2 decades के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। एक खास रिसर्च लेकर शरद हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। जी बिल्कुल, तो टैक्स GDP रेशियो जो है, ये रेशियो है जो इतनी जो आपके रेवेन्यूज कलेक्ट होती है टैक्स का, उसको कंपेयर किया जाता है एक हमारे देश के जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसके लिए। और ये रेशियो से क्या होता है, कितना बढ़िया मैनेज जो है आपके इकोनॉमिक सोर्सेज करती है आपके गवर्नमेंट, उसके लिए देखा जाता है। ये तो रेशियो हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा है वो है कि इंडिया की जो टैक्स टू GDP रेशियो है, अब दो दशक मतलब आप कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 2 decade हाई पे लेवल्स पे चल रहे हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 1999 से जो है सबसे ज़्यादा जो है ये इंक्रीज़ हुआ है रेट। अब हम लोग बात करते हैं नंबर्स के बारे में, यहाँ पे 11.2% का ग्रोथ था आपको वित्त साल 2000 में देखा गया था। लेकिन अब आप देखें, अब अगर टेबल में लाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि दो इंस्टेंसेस थी जहाँ पे आपके जो 10% से नीचे हुए थे हमारे रिसर्च में। और आप देख सकते हैं कि वित्त साल 2009 जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वहाँ पे 9.6% हुआ था। और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 9.9% हुआ था FY20 में। ये क्यों हुआ था, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट हुआ था। और आप देख सकते हैं FY22 में 11.7% पे आया है। ये तो था आपका टैक्स टू GDP रेशियो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों, ये सीख लेते हैं सर, जितना ज़्यादा ये रेशियो बढ़िया होगा उतना बेहतर फाइनेंशियल पोजिशन होगा देश का, ये सबसे अहम पोर्शन है। इसके अलावा जो अगर हायर टैक्स रेवेन्यूज़ रहेंगे तो आपकी स्पेंडिंग अच्छी होगी। आप इंफ्रा ले लीजिए, फिर आप एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, यहाँ पे अच्छी स्पेंडिंग देखने मिलेगी। और ये जो ग्रोथ है आगे देखते हुए जाएंगे तो ये कॉर्पोरेट कंपनीज़ में भी जो है ग्रोथ तब्दील होंगे। और आप जब इन्वेस्ट करते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज़ में तो उनके जो रिटर्न्स भी जो आएंगे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो आपको मिलेंगे वो भी बढ़ के आ सकते हैं। तो ये जो है एक टाइप से कह सकते हैं बहुत इम्पैक्ट जो है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने मिलेगा ऑल ओवर द इकोनॉमी एज एन इन्वेस्टर आपको भी। लेकिन अभी वित्त साल 2022 के टैक्सेस के आंकड़ों के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कुल कलेक्शन में देखेंगे 34% का जो इजाफा देखने मिला, 27 लाख करोड़, अब एस्टीमेट सिर्फ 24 लाख करोड़ था, तो ये तो एस्टीमेट को भी बीट कर दिया गया। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी ऑलमोस्ट 20% to 49% का जो है आप ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे भी देख सकते हैं, मंथली एम्फी डेटा में भी देख सकते हैं कि हाईएस्ट इक्विटी इन्फ्लोज जो है ऑलरेडी आपके आ रहे हैं म्यूचुअल फंड स्पेस में। और अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो फरवरी के जो महीना था वहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ हाईएस्ट एवर इन्फ्लो जो है आपके मार्केट्स में देखने मिला था इक्विटी स्पेस में। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है जो सबको जो है इम्पैक्ट करेगा।